पहले बता दूं, ये है उद्यमी योजना करके आपका ग्रुप है, 323 मेंबर्स अभी तक इसमें ज्वाइन है, अभी इसमें ज्वाइन कर जाइए, ग्रुप है आपके लिए है, अभी ज्वाइन कर जाइए। ये नाम आप देख लीजिएगा, नाम को सर्च करना है, आप अपने टेलीग्राम में जब ये सर्च कीजिएगा तो लोगो आ जाएगा, ज्वाइन कर जाइएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरि नारायण कुमार, आप देख रहे हैं BST ऑल टिप्स। आप सभी का BST ऑल टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आपके एक लाइक से मेरा मनोबल दोगुना हो जाता है। तो चलिए वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, आज मैं इम्पोर्टेंट जो आपके सवाल है उसका मैं जवाब देने वाला हूँ। जैसे कि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट के बारे में, मैं कई वीडियो में बता चुका हूं कि प्लीज़ आप वेटिंग लिस्ट के बारे में आप क्वेश्चन नहीं पूछिएगा, क्योंकि वेटिंग लिस्ट का मैंने बोल दिया है कि नहीं होगा। क्योंकि जब मैंने उद्योग विस्तार पदाधिकारी से बात किया था, उनसे मैंने पूछा था कि सर वेटिंग लिस्ट की प्रक्रिया क्या है, तो उन्होंने बताया था कि वेटिंग लिस्ट वाले को नहीं होगा, फाइनल लिस्ट में नाम है तभी उसका होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो मैंने कहा सर वेटिंग लिस्ट में आपने डाला क्यों, फिर जो है वेटिंग लिस्ट का अपने प्रोजेक्ट भी चेंज करवा दिया। तो कहा कि देखिए ऐसा बात है कि मैंने प्रोजेक्ट इसलिए चेंज करवाया कि मौका इमरजेंसी के लिए, तो फिर मौका इमरजेंसी की बात है तो होना चाहिए। तो कहे नहीं, अगर एक दो नंबर से अगर छँट रहा है तभी उसका होगा, यानी एक आदमी दो आदमी से छट रहा है, हो सकता है कि कोई स्वेच्छा से अगर अपना प्रोजेक्ट नहीं लगाना चाहे तो उसका प्रोजेक्ट हम उसको दे सकते हैं, या तो हो सकता है कि अब बात ऐसा है कि मान लेते हैं कि अब आपको पता कैसे चलेगा भाई, उद्यमी को पता कैसे चलेगा। तो कहा कि कॉल के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से उसको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इधर कहीं फ्रॉडिंग भी बहुत हो रहा है वेटिंग लिस्ट के नाम पर, 250 का मैंने कॉल रिकॉर्डिंग भी मैंने डाला है ऑडियो, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो अगर वैसा अगर आता है 250 रुपया का, ऐसा पैसा एक भी रुपया नहीं लगता है, इतना समझिए पैसा एक भी रुपया नहीं लगता है, अगर पैसा मांगता है तो समझिए फ्रॉड है। फिर है अगला सवाल है कि जिसका ट्रेनिंग नहीं हुआ है, बहुत सारे लोगों का ट्रेनिंग नहीं हुआ है, तो देखिए बहुत सारा का तो हो गया है लेकिन एकादुका के लिए ट्रेनिंग नहीं होगा, इतना समझिए। जिसका ट्रेनिंग नहीं हुआ है उसका पैसा मिलेगा, तो पहले तो आप जिला उद्योग केंद्र में जाइए, उनसे संपर्क कीजिए कि क्या बात है नहीं है। अब यहाँ पर जो मेरे संज्ञान में है, हम इस पर हम और भी हम लोगों से पूछेंगे, कॉल करके हमारे पास जो भी प्राधिकारी लोग हैं उसका नंबर है, हम उनसे कॉन्टेक्ट करते हैं, एक दो दिन में आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। ये सवाल ठीक है, जिसका ट्रेनिंग नहीं हुआ है उसका पैसा कब मिलेगा, यानी पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम इसको हम पर हम संज्ञान ले लिए हैं, अगली वीडियो में जब होगा तो हम इस पर हम चर्चा करेंगे एक बार कंप्लीट। क्योंकि देखिए अगर ज़्यादा है तो आप जो जिला उद्योग में जाइए, लेकिन मेरा ये मानना है कि जिनका ट्रेनिंग नहीं हुआ है, अगर एक आध आदमी है तो उसका पैसा जो आप जो भी पहले जाइए जिला उद्योग में, DPR वगैरह सब जितना भी प्रोसेस है सारा की चीज़ें अगर आपका होगा तो ट्रेनिंग नहीं होगा तो, क्योंकि एक दो के लिए ट्रेनिंग नहीं होता है, समझे। ट्रेनिंग ना भी हो तो, क्योंकि सारा लोगों का जितना का ट्रेनिंग यहाँ पर था, हो सकता है कि आपकी इस कारण बस आप जो है यहाँ पर नहीं थे, तो हो सकता है कि आप उसे कहिएगा सर मेरा तबीयत ख़राब है तो मेडिकल जो है यहाँ पर लगाइएगा सर्टिफिकेट वगैरह, तब आपका कुछ चांस बन सकता है। तो आप जिला उद्योग केंद्र में जाइए, वहीं आपका समाधान होगा। फिर कि उद्यमी योजना का लोन ले लिया है, अगर मान लेते हैं कि कोई उद्यमी योजना का लोन ले लिया है, क्या बिहार स्टार्टअप जो फंड है पॉलिसी है उसका सुविधा ले सकता है? तो देखिए वहाँ पर जो गाइडलाइन है उसमें बजाते के साथ दिया हुआ है कि कोई भी एक ही का लाभ आप ले सकते हैं, या तो उद्यमी योजना का है तो बिहार स्टार्टअप का नहीं लेगा, और बिहार स्टार्टअप का ले रहे हैं तो आप उद्यमी योजना का नहीं लेगा। मेरा कहना है कि दोनों में से कोई एक ही को ले रहे हैं। फिर है कि उद्यमी योजना जो युवा लाभ ले लिया है उसको बिहार में जॉब होगा कि नहीं होगा? बात ऐसा है कि यहाँ जॉब की बात है तो जॉब भी तो ये क्या है कि गवर्नमेंट है, प्राइवेट सेक्टर में है तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर में है तो कोई भी एक ही लाभ लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या होगा आपको रिजाइन देना पड़ेगा। यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है आपको सौंप करके एक लेटर देना है,
और वो सुविधा आपको लौटा देना है। ओके, फिर है कि बहुत सारा लोग जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर के पर का नंबर मांग रहा है, तो देखिए जो ऑफिसर लोग हैं उनका नंबर को लाइव नहीं किया गया है, यानी कि उसको जो है नहीं दिया गया है, इसीलिए हम प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं। आप जिला उद्योग केंद्र में जाइए, मैंने आज ही वीडियो डाला है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है, डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है तो उसका क्या है कि तबादला हो गया है बहुत सारे लोगों का, इसी के कारण आप एससी एसटी वाले का पेमेंट जो में डिले हुआ है, एक माह या दो माह जो आपका डिले हुआ है ना, इसके कारण हुआ है। हालांकि अब कोई देरी होने वाला नहीं है, क्योंकि वहां पर जो नोटिस मैंने आपको बताया है उस नोटिस में दिया बाजाबते के साथ दिया गया है कि जो लोग का अभी जो वर्तमान में जो ट्रांसफ़र हुआ है सारा लोगों का अब जो है कार्य शुरू भी कर दिए हैं, इसलिए आप लोगों का कोई इफेक्ट इस पर पड़ने वाला नहीं है। ओके, और एक और भी मैं चर्चा कर लेता हूँ कि एससी एसटी का या बाकी जितने भी ईबीसी हो गया, युवा हो गया, महिला हो गया, उद्यमी योजना, उन लोगों का पेमेंट के बारे में मैं कुछ चर्चा कर लेता हूँ। बात ऐसा है कि उनका जिन लोगों का पेमेंट नहीं है तो मंगलवार तक आने की संभावना है। 30 तारीख को मेरा ये मानना है कि 30 तारीख को 80-90% गारंटी है 30 तारीख को आने का, लेकिन 100% मैं गारंटी देता हूँ एंड 110% गारंटी देता हूँ, 110% गारंटी दे रहा हूँ कि आपका जो 30 तारीख को पेमेंट आएगा, बाकी लोगों का 31 तक आ जाएगा। और कुछ लोगों का जिनका आपका जो है चेक नहीं कटा है तो 31 तारीख के बाद भी जाएगा, इसलिए आपको पेशेंस रखना है। मैं आपके पेशेंस को सराहना करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा, समझ रहे हैं। तो इसलिए मैंने आज को तो जितने भी डाउट था वो मैं क्लियर किया हूँ। अभी आपका क्वेश्चन रहेगा, मैंने एक निर्णय लिया है और वो निर्णय आपको भी अच्छा लगेगा। जैसे कि माना जाए जितने भी डाउट आता है आपका जो उद्यमी योजना करके जो आप लोगों का ग्रुप चल रहा है, उस ग्रुप से जो अच्छा अच्छा क्वेश्चन होगा उसका हम डिस्कस हम कर लेंगे, या तो शाम में हम वीडियो डाल देंगे या सुबह में, क्योंकि हमारे पास टाइम का अभाव है जिसके कारण मैं आप लोगों का रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ। बहुत सारे लोग हमसे नाराज़ भी होंगे, लेकिन मैं सॉरी कहना चाहूँगा, मुझे माफ़ कर दें, क्योंकि टाइम नहीं होने के कारण हमें भी बहुत दुखी होता है कि मैं आपका रिप्लाई नहीं दूँ, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि मैं रिप्लाई दूँ। अगर मैं रिप्लाई नहीं दूँ तो आप समझिएगा कि उसका मैं टॉपिक मैंने ले लिया है और उस पर मैं जो वीडियो डालूँगा उसमें मैं आपको जवाब दे दूँगा। तो आज हो आपको जो मैसेज आप डालिएगा ना टेलीग्राम पे, आप जुड़ जाइए टेलीग्राम से, मैं क्वेश्चन यहाँ पे लेता हूँ और 6 बजे सुबह से लेकर के शाम के 6 बजे तक ले जो मैसेज आया होगा उसमें से जो चुनिंदा प्रश्न होगा उसका मैं जवाब लेकर के आऊँगा। ओके, और वो जवाब मैं या तो हो सकता है कि टेक्निकल जो उद्योग विस्तार पदाधिकारी है या कोई भी है, बहुत सारे लोगों का नंबर है, हम उनसे भी कंसल्ट ले लेंगे और तब मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूँगा। नमस्कार, मैं हूं हरि नारायण कुमार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप इस प्रकार के कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए बीएसटी ऑल टिप्स। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर जुड़ने के लिए आपको सबसे पहले बीएसटी ऑल टिप्स टाइप करना है, बीएसटी एक साथ रहेगा, ऑल एक साथ रहेगा, टिप्स एक साथ रहेगा, जो ही टाइप करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे मेरा लॉगो भी लग रहेगा।